Namaskar everyone, a very good afternoon and thank you for joining us once again for Getting Candid with Swayambhu. And today we have a wonderful guest with us. Tacha agodar, uske pehle, main ek cheez batana chahti hun, aapse share karna chahta hun. Ek question aaya hai mujhe, jisme kaha gaya hai ki madam Swayambhu mein participate karne ke liye रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, मेंबरशिप फीस कितनी है. तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट वी चार्ज नो मेंबरशिप फी, देयर इज नो कमर्शियल, नो डोनेशन, नो मनी एट ऑल कनेक्टेड टू स्वयंभू. इट इज अ टोटली निशुल्क सोशल मूवमेंट. सो प्लीज अंडरस्टैंड, वी डू नॉट चार्ज फॉर एनीथिंग. It's a pure social movement, not a NGO or nothing connected to donation. So thank you very much for the question. I think it was important for me to share this so that everyone is clear that we are not into money transactions at all. We have seen and heard many speakers who quote A, B, C, X, Y, Z to state or to share or to emphasize on a particular point. ज्यादातर अपनी पॉजिटिविटी, धैर्य और सोच के बारे में बताते वक्त लोग इसका उसका सबका जिक्र करते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसी पर्सनालिटी है डॉक्टर संतोष कामेरकर, जिनको दूसरों की एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है. उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ कमाया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, इतना कुछ कमाया है, इतना कुछ हासिल किया है कि उनकी खुद की हम पर्सनल जर्नी और खुद की प्रोफेशनल जर्नी हम जान जाएंगे तो हमें अचरज होगा कि ये सच्चाई है या कोई फिल्मी स्टोरी चल रही है. तो मुझे उनको वेलकम करने में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है. वेलकम डॉक्टर संतोष. नमस्कार मैडम. नमस्कार. 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 तो डॉक्टर संतोष, ही इज जस्ट इन हिज 40s. ही इज द ओनर ऑफ SK रिजॉर्ट्स. He is the director of Vaishya Sahakari Bank and he is also the director of Mission Kamyabi, which is a training set up into motivational and mentoring sessions. So without wasting any more time, I would like to connect with Dr. Santosh and hum hamara question answers ka silsila getting candid isko continue karte hain. So once again, Dr. Santosh, welcome. Yeah, thank you, ma'am. सबको ऐसे लगता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री, संतरी का बेटा संतरी, और जो कॉमन बैकग्राउंड से आए हैं वो लाइफ में कुछ हासिल कर ही नहीं सकते. तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज आपकी पर्सनल जर्नी बताएं, आपका बैकग्राउंड बताएं, तो आई थिंक सबको इंस्पिरेशन मिल जाएगा. Yeah, sure, sure. Okay. नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग मुझे देख रहे होंगे. मैं डॉक्टर संतोष कमेर के, जैसे मैडम ने बताया. दोस्तों स्टोरी ऐसी है, जैसे एक लड़का जिसकी उम्र 3 साल की थी, उस वक्त उसके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं और पिताजी एक्सपायर होने के बाद उसकी माँ उसको पालती है. तो जब वो स्लम एरिया, जैसे अभी आपने नाम सुना होगा, ये लॉकडाउन के पीरियड में 1000 लोग इकट्ठा आए थे बहरामपाड़ा बैंड्रा स्टेशन के बाहर, वो इलाका बहरामपाड़ा जिसे कहा जाता है, उस इलाके में जहाँ पे सभी प्रकार के गलत काम चलते थे वहां पर, मतलब दारू का अड्डा भी वहां पर है, जुआ खाना भी है, सभी कुछ, इस प्रकार के माहौल में वो 3 साल का लड़का धीरे धीरे बड़ा होते होते वो 14 साल का होता है. और एक बार उसका इंसल्ट होता है. इंसल्ट क्या होता है, जब वो दिवाली में एक रिलेटिव उसको घर पर बुलाते हैं, तो घर पर जाने के बाद उसकी छोटी बहन जो उससे 2 साल छोटी है, वो दोनों जब उसके घर पे जाते हैं रिलेटिव के, तो वहां पर वो मिठाई की एक थाली सामने आती है जिसमें काजू कतली होती है और एक जगह चूड़ा की थाली आती है. तो छोटी बहन जिसकी ये 10-11 साल की उम्र है, वो स्वीट खींच के लेती है, मुझे स्वीट पसंद है. उस वक्त वो लेडी जो घर से, घर में जिन्होंने बुलाया था, वो देखती है अपनी लड़की को, बोलती है ऐसे भिखारी लोग घर पे लाने का, जिनको मिलता नहीं है, और ऐसे भिखारी लोग जो खींच रहे, देखो किस प्रकार से पेट खींच रही है. उस वक्त उस लड़के को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ. वो अपनी बहन को वहां से घर से निकाल के लेके जाता है. हालांकि गरीब थे वो लोग, लेकिन भिखारी नहीं थे. तो ये जो उसे, ये वहां पे उसको पिंच कर गया, उसने सोचा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है. उसके बाद वो 14 साल का लड़का, जिसने पेपर लाइन डाली, जिसने दूध की, दूध का डालने का काम किया, जिसने 14 साल की उम्र में ट्यूशन क्लासेस लिए, बच्चों को पढ़ाता था, इस प्रकार से धीरे धीरे गाँव से, जब एक बार मामा उसका मुंबई में आया था,
तो मामा बीमार पड़ गया और मामा ने कहा कि मेरे आम और फनस मुझे बेचने हैं। तो उस लड़के ने कहा कि मैं बेच सकता हूँ 14 साल की उम्र में। मामा ने कहा तू कैसे बेच सकता है? उसकी माँ ने भी कहा तू तो छोटा है। उसने कहा नहीं मैं करूंगा। उसने भी लड़कों को साथ दोस्तों को साथ में लेकर वो 14 साल की उम्र के लड़के ने वो आम और फनस बेचे उसको। तो पहला एंटरप्रेन्योर वहां से तैयार हुआ। उसके बाद में वो कहता है कि ज्या ज्या गाड़िया धुतल्या त्या त्या गाड़िया घेतल्या, जो गाड़ी उसने धोई वो गाड़ी उसने ली। वो लड़का आपके सामने बैठा है, आपसे बात कर रहा है, डॉक्टर संतोष कामेरकर। दोस्तों ये डॉक्टरेट मुझे मिली है, आज मैं आपके सामने एक रिसोर्ट का ओनर जिसे मैडम ने कहा। तो ये सही बात में सपना है और ये कई बार मैं भी सोचता हूँ कि ये कैसे हुआ। तो इसके पीछे बहुत बड़ी मानसिकता है। ये मानसिकता होती है सक्सेसफुल बनने के लिए। ये मानसिकता जैसे हमें गरीब अगर भगवान पैदा करता है तो गरीब के घर पैदा होना बुरी बात नहीं, लेकिन गरीब बनकर मरना बुरी बात है मैडम जी। तो इसलिए मैंने फिर वो सोचा कि नहीं अभी कुछ लाइफ में करना है, और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई कि लाइफ में बढ़ना है, कुछ आगे जाना है। तो मम्मी का भी मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से बहुत मेहनत कर रही थी उनको भी हाथ बार देने के लिए फिर मैंने वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। कई सारे बिजनेस मैंने किए और मैंने समझ लिया कि पैसा कमाना जरूरी है। एक बार पैसे आ गए तो उसके साथ साथ बहुत सी बातें भी हम कर सकते हैं। तो बहुत कम उम्र में मुझे पैसे का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया जी। वहीं से फिर मेरे आगे जर्नी शुरू हो गई और फिर धीरे धीरे अभी आज के तारीख में एक सक्सेसफुल अलग अलग क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, मल्टीटास्किंग हूँ। तो मैंने 14 किताबें भी लिखी है, जिसमें से जो आज मिशन कामयाबी नाम से हम बात कर रहे हैं तो ये एक मिशन कामयाबी नाम की मेरी किताब है। साथ में मेरा श्रीमंत व्हाइट है जिसकी 1,25,000 कॉपी बिक चुकी है। तो लोगों को अमीर बनना होता है और लोग अमीर बनने के बारे में सोचते रहते हैं, तो इसीलिए ये जर्नी शुरू हुई है और आगे हम बात करेंगे धीरे धीरे जैसे पॉइंट आएंगे मैडम जी। तो डॉक्टर संगीता जी, यस प्लीज। डॉक्टर संतोष, ये बताइए कि आपने बहुत ही छोटी उम्र में एंटरप्रेन्योर पर यू नो उस कदम पे तो आप चल दिए, लेकिन आपको हिम्मत किस चीज ने दी? क्योंकि आप बहुत ही छोटे थे तो कोई बता तो नहीं रहा था कि आपको ये करो, तो आपको वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिला और ये हिम्मत कहाँ से आई? इंस्पिरेशन मेरी मम्मी से मुझे मिला है। मेरी माँ बहुत ही होशियार थी, मतलब उस वक्त उसने 10वीं मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में वो मेरिट में आई थी 10th में। अच्छा। बहुत होशियार थी और वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी कि तू कर सकता है, होशियार है। हालांकि मैं बचपन में थोड़ा सा बीमार रहता था, तो मेरी मम्मी की बहुत उसमें मेहनत थी और फिर उससे मुझे लगा। उसके साथ में मैंने देखा कि मेरे आजू बाजू में बहुत से गरीब लोग रहते हैं और मुझे मेरे हमारे पूरे परिवार में भी कोई अमीर नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद इंस्पिरेशन बन जाऊं बाकी लोग के लिए। तो वो समझ आई जी। एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जब मैं 13-14 साल का था तो मुझे बहुत वही से सीखने मिला। एक तो बार ऐसे हुआ मेरे मामा के, मैं मतलब कॉलेज में था उस वक्त, मैं 17 साल का वगैरह होऊंगा, तो मेरे मामा की दुकान थी। तो मैं दुकान में गया मेरे 4 दोस्तों को लेकर, और दुकान में एक वहां पे एक बर्नी रखी थी, वहां पे इक्लेयर्स के चॉकलेट थे। तो मैंने वो खोला और 4 इक्लेयर्स लिए निकाल के, 4-5, और सब दोस्तों को दिया। तो बाद में मामा ने पूछा कि क्या कर रहा है, कहाँ से आए? मतलब कॉलेज से आए, तो अभी कहाँ जा रहा है? मतलब अभी घर पे जाऊंगा। तो खाना खाया? मैंने कहा नहीं खाया। तो मेरे को बोले ठीक है खाना खाने चलते हैं। तो मैंने बोला हाँ मैं तो जा रहा हूँ, निकलता हूँ। तो मामा ने मेरे को बोला अच्छा सुन, तू निकल रहा है तो वो जो 5 रुपए का तुमने चॉकलेट लिया ना वो 5 रुपया मेरे को दे। तो मेरे को बहुत बुरा लगा। मेरे दोस्त मेरे पास देखने लग गए कि इसका मामा है, इसे 5 रुपया मांग रहा है। तो मैंने 5 रुपये निकल के दिया मामा को। मेरे को भी थोड़ा नर्वस हुआ, मैं बोला मैं निकलता हूँ। तो मामा ने बोला तू खाना खा के जाते। तो मामा ने दुकान बंद किया, दोपहर का वक्त था, और मुझे वो होटल में खाना खाने को लेकर गया हम लोग 4 दोस्तों को, और उसने खाना खिलाया। मेरे को वहां पे एक बिजनेस की ट्रिक पता चली कि आप धंधे पे, जब उसने कहा मैं धंधे पे हूँ तो मैं पैसा लूंगा तेरे से, अभी मैं तेरा मामा हूँ तो मैं भी रिसोर्ट में यही करता हूँ। मेरे बच्चे भी आगे रिसोर्ट में आते तो खाना खाने का पैसा लेता हूँ मैं। तो ये धंधे की लाइन मेरे को शुरू से पता चली कि बिजनेस में आपको बिजनेस की जगह बिजनेस होता है, दोस्ती। तो इस प्रकार से मैं व्यवहारिक ज्ञान में, मतलब व्यवहारिक बातें में सीखते गया। तो ये मेरी मम्मी ने भी बहुत सारी बात मुझे व्यवहारिक बातें बताई कि जहाँ पे सोशल वर्क करना है वहां पे करना है, लेकिन जहाँ पे बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस करना जरूरी है। तो ये बिजनेसमैन की शुरू से मेरे में वो बातें आती गई, तो उसका डेफिनेटली मुझे फायदा मिला। तो इंस्पिरेशन मेरी मम्मी इसमें ज्यादा है। उसके बाद कई सारे लोग मेरे साथ में जुड़े, फिर मैंने कई सारे कोर्सेज किए, अलग अलग गुरु मेरे साथ में है, उनका मुझे हमेशा ही मिला है। और किताबें मेरी सबसे बड़ा मोटिवेशन गुरु है, किताबें मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो किताबों से आपको इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और नई नया चीज आपको सीखने मिलता है। यस यस, राइट राइट। आप सक्सेस की ऊंचाई पर तो पहुंच गए, लेकिन ऐसे कहते हैं कि इट इज वेरी इजी टू रीच सक्सेस कंपैरेटिवली
than to maintain success. तो आपका इसके बारे में क्या राय है? नहीं ये बहुत जरूरी है, सक्सेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है और हमेशा अपने पैर जमीन पे होना चाहिए, मतलब आसमान भी छू लो और पैर भी जमीन पर हो, ये बहुत जरूरी है। और उसी इंसान, मतलब मैंने कई सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा है जो रियल मायने में सक्सेसफुल है, नॉट ओनली पैसा, पैसे के साथ में एक औहदा, एक प्रतिष्ठा, एक स्टेटस, और जिनको समाज में प्रतिष्ठा है। उनसे मैंने सीखा है कि जितना आप अमीर बनते हो, जितना बड़े आदमी बनते हो, उतना आपको जमीन पे रहना जरूरी है। तो इसीलिए ये सक्सेस को मेंटेन वही आदमी रख सकता है जो ये फॉर्मूला अपनाता है हमेशा। मैं जैसे मैं सोशल एंटरप्रेन्योर में अपने आप को बोलता हूँ कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें सोशल, मतलब समाज का फायदा कैसे हो सकता है। मैंने किताब भी लिखी है, मैं ट्रेनिंग फील्ड में हूँ तो ट्रेनिंग में भी मैं कई सारे लोग मेरे पास आते हैं। एक मेरे पास ट्रेन द ट्रेनर्स का कोर्स करने लड़का आया था नासिक से, राहुल नाम का। तो राहुल ने बोला सर आपकी कोर्स 25,000 की फीस है, लेकिन मेरे पास अभी आपको देने के लिए 5,000 रुपीज है, मैं 20,000 में आपको अभी नहीं दे सकता हूँ। मैंने कहा कोई नहीं राहुल, तेरे को सीखना जरूरी है तो आ जा मेरे कोर्स में। उसको मैंने मेरे कोर्स में लिया, उसने ट्रेन द ट्रेनर्स कोर्स किया, उसके बाद में उसने पैसे कमाने शुरू किए और साल भर में उसने मुझे 20,000 वापस किए, मतलब जो एक्स्ट्रा मेरी फीस थी। तो वहां पर वो सीखना जरूरी है। कई सारे लोग आते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ आप सीखने के लिए कोशिश करो। जैसे मैं भी जब छोटा था तो एक मैं केसी टूर्स में ट्रेवल्स में, मतलब उनके साथ में मैं गया था एज अ उनका, मतलब वो जो होता है उनके साथ में असिस्टेंट होता है जी। तो असिस्टेंट जो होता है वो सब लोग को हेल्प करेगा, लोगों को खाना खिलाएगा, ये करेगा वो करेगा। उस वक्त मुझे भी एक लेडीज थी, उनका नाम भी मैडम कामत ही था। तो उन्होंने उस वक्त मुझे हेल्प की थी कि संतोष तू कंप्यूटर जानता है? मैंने कहा नहीं। तो वो 14-15 साल की उम्र में उसने उसका कंप्यूटर मुझे बताया था, सिखाया था वगैरह। तो ये मतलब कुछ लोग इस प्रकार से देने वाले, तो मेरे को उस फिक्स हो गया था कि कितनी भी सक्सेस आप पा लो या आप जमीन पे रहिए तो सक्सेस मेंटेन रखने के लिए भी बहुत सी बातें करते हैं। लाइफ ऑफ, मतलब जो अभी स्टेटस है रहने का वो मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए भी पैसे भी कमाने पड़ते हैं, साथ साथ में सोशल में भी कुछ करना पड़ता है, समाज के प्रति भी करना पड़ता है। और रेगुलर कुछ इस प्रकार से हमने, मैं प्लान करके रखता हूँ, बिजनेस स्ट्रेटेजी बना के रखता हूँ ताकि मुझे कभी ज्यादा स्ट्रगल करना ना पड़े भी मायने में, मतलब। तो इसीलिए वो शुरू से जो भी सीखा है वो करता हूँ तो डेफिनेटली उसका फायदा मुझे होता है। इसीलिए मैं आज भी मेरे पैर जमीन पर हैं और सभी लोगों से मैं मिलता हूँ, बराबर सभी लोगों से बात करता हूँ। जी जी सही कहा आपने, क्योंकि कुछ लोग घमंड में इतने घिर जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घमंड तो शराब जैसी होती है, खुद को छोड़ के बाकी सबको पता चल गया होता है कि आपको चल गई है। आई थिंक इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू बी वेरी ग्राउंडेड एंड कीप अ सेंसिबल हेड ऑन योर शोल्डर्स एंड नेवर लेट सक्सेस गो टू योर हेड। सो बहुत बढ़िया कहा आपने। अब मुझे आप बताइए कि आपने जो SK रिजॉर्ट्स शुरुआत की, तो ये बाई चांस शुरुआत हो गई या आपने सिर्फ बहुत ही प्लान्ड सोच समझ कर ये प्रोजेक्ट शुरू किया था? राइट मैडम, ये मैंने बहुत सोच समझ के किया था। मतलब आज से 20 साल पहले मैंने जगह ली थी पनवेल, मतलब पनवेल के पास 12 किलोमीटर है गोवा रोड पर। तो उस वक्त मेरे पास कुछ पैसे थे 10-12 लाख रुपया, तो इन्वेस्ट करने थे, क्या करूँ, कुछ फार्म हाउस लेना है, इस प्रकार से मैं ढूंढ रहा था। बहुत जगह ढूंढने के बाद मुझे वो जगह मिली, तो वहां पर बहुत ही वो पूरा खड्डा था पूरा नीचे लेवल तक। तो बहुत सारे लोग उसको देख कर नापसंद करते थे उस जगह को, ये तो खड्डा है, खड्डे में जगह लेंगे तो आदमी खड्डे में जाएगा, लोग सोचते थे। मेरे पास एक विजन था कि ये रोड टच जगह है, मुंबई गोवा हाईवे नेशनल हाईवे है, अभी वहां पर नेशनल हाईवे बन चुका है, उसके अच्छे खासे मुझे पैसे भी मिले जब वो रोड वाइंडिंग में मेरी जगह गई। तो मैंने उस वक्त सोची समझ कर जगह ली थी, फार्म हाउस के लिए लगा जगह ली थी। धीरे धीरे 2-4 साल बाद मैंने वहां पर फार्म हाउस बनाया, झाड़ लगाया, पेड़ लगाया, बहुत ग्रीनरी हो गई है। फिर मैंने वहां पर छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया, मतलब आज से 10 साल पहले। तो धीरे धीरे रेस्टोरेंट में पहले, मतलब मैंने उस वक्त मैं बिजी था ट्रेनिंग और बाकी इसमें, तो मैंने वो चलाने दिया था एक को। तो शुरू में तो एक आदमी आया, मेरे को चलाने दो, मैं भाड़ा नहीं दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चल चला, भाड़ा नहीं देगा कोई, क्योंकि मेरे को वो शुरू का था, फर्स्ट स्टार्टिंग था। तो मैंने कहा ठीक है 5,000 रुपया मेरे को देके तो शुरू कर। तो 5,000 में उसने शुरू किया, उस आदमी ने 6-8 महीना किया, फिर उसने छोड़ा। फिर दूसरा बंदा आया, उसने 2 साल तक जो चलाया, इस प्रकार से 3-4 साल तक मैंने उसको रेंट पे दिया था। 4 साल बाद मैं काफी हद में ट्रेनिंग से थोड़ा फ्री हो गया था, बच्चे बड़े हो गए थे, मेरी वाइफ भी सोच रही थी कुछ हम लोग करें। तो वाइफ को कहा वो होटल छोड़ रहा है तो हम लोग इसको कंटिन्यू रन करते हैं, उसने कहा कोई बात नहीं। तो मेरी मिसेज काफी हद में वो रेस्टोरेंट रिसोर्ट का बिजनेस देखती है, वहाँ पे सब जो भी मैन पावर के बारे में है, सामान के बारे में है, ग्रोसरीज वगैरह जो भी लगता है वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे वो अभी मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ वो रिसोर्ट, और आज की तारीख में हमारे पास 20 लोग का स्टाफ है
और बहुत मेहनत से हमने उसको बनाया, मतलब मेरी मम्मी, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे भी वहां पर जाते हैं। तो आज बहुत प्यारा बनाया हुआ है पूरा, 2 एकड़ का रिसोर्ट है, 4 एकड़ का बाजू में फार्म हाउस है और मुंबई गोवा रोड पर है तो उसका फायदा है। अभी तो रिसोर्ट बंद है फिलहाल, लेकिन हम एक सोशल कॉज के तौर पर जो भी उस रास्ते से कोई चल के जा रहा है, किसी को खाना नहीं मिलता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग खाना वहां पर लोगों को दे रहे हैं। अरे बड़ी, और उसे ताकि जाते हुए कोई मतलब कोई भूखा ना जाए वहां से। लॉकडाउन है, सब होटल्स बंद है, तो मेरे स्टाफ को, मैनेजर को बोल के रखा है मैंने कि कोई खाना खाने आता है तो पैसे नहीं लेना है, उनको फ्री में खाना खिलवाना है। अगर खाने का वक्त नहीं है तो कुछ नहीं तो कांदा पाव बना के दो, कुछ मिक्स पकौड़ा बना के दो। ऑफकोर्स वो जो प्रशासन के जो रूल्स है वो सभी फॉलो करके, सोशल डिस्टेंसिंग संभाल के, इस प्रकार का रिसोर्ट आज के तारीख में बढ़िया है। तो ये पूरा प्रॉपर प्लान से हमने इसको बनाया हुआ है। अभी स्विमिंग पूल वहां पर है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, डेस्टिनेशन वेडिंग भी वहां पर होती है हमारे पास, और इस प्रकार से वो चल रहा है। आप जैसे सभी लोगों की दुआ है, मेरे फैन फॉलोअर्स, मेरे माता पिता, मेरे गुरु की दुआ के वजह से बहुत अच्छा चल रहा है। तो थैंक यू मैडम। बढ़िया बढ़िया। तो आपने शुरू किया कंस्ट्रक्शन और जगह ली किसी और कारण, और बाद में उसको डिफाइन कर दिया कि अभी परिस्थिति ये है तो मुझे ये करना चाहिए। right, तो right. सही समय पर सही सोच आना और उसको इम्प्लीमेंट करना, वो भी बहुत जरूरी है। राइट राइट राइट। मुझे ये बताइए, बहुत से लोग बच्चे खासकर, यानी यंग जो है बच्चे, वो सोचते हैं कि मैं पहले ही बिजनेस करूं या पहले नौकरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको क्या लगता है, सीधे बिजनेस में कूद पड़ो या थोड़ा सा काम करना चाहिए फिर हमको बिजनेस में जाना पड़ेगा? पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मैंने भी बहुत सी अलग अलग जॉब की है, मैंने भी, हालांकि ज्यादा नहीं, 6 महीना 1 साल है, इस प्रकार से जॉब किया। जैसे मैंने कहा कि मैं वो केसरी टूर्स, उस वक्त राजा रानी ड्राइवर्स होता था, तो मैं उनके साथ में जब भी छुट्टी होती तो 15 दिन के टूर पे मैं कभी मैं गोवा चले गया, कभी कर्नाटक गया, तो मैं जाता था ताकि एक्सपीरियंस मिले, पैसे भी मिलते थे मुझे। वहां से अलग अलग लोग मिलते हैं, कोई आपका इंसल्ट करता है, कोई आपको अप्रिसिएट करता है, कोई आपको बोलता है ये प्लेट उठा, कोई आपको, और अलग अलग तरीके से, तो वो नौकरी में एक्सपीरियंस मिलता है। साथ में मैंने अलग अलग टनल फिटर का जॉब भी मैंने किया है, ट्यूशन क्लासेस में सिखाने के लिए जॉब किया था मैंने, तो वो उससे बहुत सा एक्सपीरियंस मिलता है। तो जो भी आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, मैं कहूंगा पहले उसका एक्सपीरियंस, जैसे आप, अगर जैसे मेरे बच्चे हैं, उनको भी अगर मेरा रिसोर्ट आगे चलाना है तो मैं उनको पहले कहां ना कहां उसको मैं उनको जॉब के लिए भेजूंगा। मेरी विठल कामत जी से बात हो रही थी, तो विठल कामत जी को मैंने कहा मेरी लड़की अभी होटल मैनेजमेंट कर रही है, 4 साल पूरा होने के बाद मैं आपके पास भेजूंगा उनको। उन्होंने कहा श्योर, सब कुछ भेजिए करके, तो उनको भेजूंगा लड़की को, ताकि वो उधर रहेगी 1 साल, उनके पास सीखेगी। तो अलग अलग जगह उनको, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में आप पहले जॉब कीजिए, और जॉब करने के बाद उसका एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। तो डायरेक्ट बिजनेस नहीं करना है, पहले आपको जॉब करना है, एक्सपीरियंस लेना है, वहां पे देखना है, उसके बाद में आप बिजनेस में उतरिए। परफेक्ट परफेक्ट। ऐसे ही नहीं, आपको उद्योग भूषण अवार्ड मिला है, लंदन से आपको सोर्ड ऑफ ऑनर मिला है, क्योंकि आपने ये सब खुद एक्सपीरियंस किया है, और इस एक्सपीरियंस ने ही आपको इतनी ऊंचाई पर आज यू नो बिठा दिया है। सो वेरी वेरी नाइस, आई थिंक इट इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड हाउ मच हार्ड वर्क, फोकस एंड कंटिन्यूस डेडिकेशन पेज ऑफ। थैंक यू डॉक्टर। मेरा अगला सवाल ये है कि यंग बच्चे ये भी सोचते हैं कि मैं जो भी करता हूँ सब सही करता हूँ, तो कितना जरूरी है हमारे लाइफ में एक गुरु होना, और कौन सी मिस्टेक्स है जो जनरली यू नो यंग एज में हो जाती हैं बिजनेस और काम के मामले में? नहीं, बहुत जरूरी है, हमारी एक्चुअली लाइफ ही मैडम ऐसी होती है ना, जैसे जो बहू होती है ना, वो सास बनने के बाद उसको पता चलता है कि मुझे कैसे रहना चाहिए था। छोटे बच्चे जैसे अभी जो 10वीं 12वीं में है, उनको भी पता नहीं चलता, अभी लगता है एंजॉय करो। बाद में जब वो 35 साल के होते, फिर सोचते यार उस वक्त हमने फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया था हमारा, आज 35 साल की उम्र में हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये इसीलिए करना पड़ता है कि उस वक्त उन्होंने वो अच्छे जो पल थे उन्होंने गवा दिए। तो मैं कहता हूँ कि आप एंजॉय भी करो, आप लाइफ भी एंजॉय करो, लेकिन साथ साथ में आप थोड़े सीरियस भी रहो आपके करियर के प्रति, आपके काम के प्रति। तो इसीलिए आपको ये बात जरूरी है कि आप जब उस उम्र में होते हो, उस उम्र में आपको सीखना भी जरूरी है। तो आपके साथ डेफिनेटली आप अच्छी संगत में रहो, एक्सपीरियंस लोग जो है उनके साथ में उनका फायदा लो। जैसे अभी आप स्वयंभू नाम की संस्था मैडम आप चला रहे हैं, तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आपने खड़ा करके रखा है, बहुत सारे यंगस्टर्स है उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया हुआ है। तो ये इस प्रकार के लोगों से लोग मिले, लोगों की संगत अच्छी हो, आपकी अगर संगत अच्छी होगी तो डेफिनेटली उसका फायदा आपको मिलता है। तो शुरू से मैंने मेरे संगत बनाई थी, जैसे मैं कहता हूँ आपके मोबाइल अगर आपके पास नंबर सेव है तो कितने लोग ऐसे लोगों के नंबर है आपके पास जो आपसे औहदे में बड़े हैं, आपसे नॉलेज में बड़े हैं, आपसे प्रतिष्ठा में बड़े हैं, आपसे पैसे में बड़े हैं। तो कई बार हमारे मोबाइल में जो नंबर है
वो 95% हमारे से गरीब लोग के, हमारे से स्टेटस में कम लोग, हमारे से प्रतिष्ठा में कम लोग, हमारे से ज्ञानी कम लोग होते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके मोबाइल में जो नंबर सेव होने चाहिए वो ऐसे लोगों के सेव, या ऐसे लोगों से जान पहचान संगत बनाओ जिनका ज्ञान, जैसे मैं साहित्यिक लोगों में रहता हूँ, डॉक्टर विजयवार मैडम है, अशोक चिटनी सर है, उससे मुझे ज्ञान के बारे में मालूमात पड़ती है। उसके बाद में मैं बिजनेस के बारे में, तो उस प्रकार से मैं सैटरडे क्लब नाम की संस्था है, कई सारे बिजनेसमैन अलग अलग संस्था है, मराठी व्यापारी मित्र मंडल है, मैं जागतिक मराठी चेंबर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री जहाँ पे मनोज जोशी जी अध्यक्ष है, उस संस्था पे मैं हूँ। बड़े बड़े इस प्रकार से संस्थाएं, बड़े बड़े लोगों के वजह से रिलेशन अच्छे बनते हैं, तो उसका फायदा हमें मिलता है। इसलिए आप अभी से आपका सर्कल आपको बनाना पड़ता है, तो आपका सर्कल आप बनाते हो, आपकी संगत आप बनाते हो, तो ये आप उसको बनाइए, तो आप कैसे हो उस पर डिपेंड है। तो आप ये पर्टिकुलर मैंने बनाई है और ये बनाना पड़ता है अमीर बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए, जी ये हमने बनाई है। यस जी, तो मुझे ये समझ में आया कि सक्सेस मिलने के लिए और सक्सेस मिलने के बाद भी आपको आपका लर्निंग बोर्ड कंटिन्यूसली ऑन रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए, जीवन के हर फेज में, हर समय में आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे कहा जाता है, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, इट इज टाइम टू चेंज द रूम एंड गो टू अनदर रूम वेर वी हैव गॉट स्मार्टर पीपल सो दैट वी कैन लर्न मोर। So I think he has lived that. He has lived that. Wonderful. Dr. Santosh, मुझे आपका जो experience है as a director of Vaishya Sahakari Bank, ये इस experience के बारे में थोड़ा सा बताइए। Okay. तो जैसे कि मैडम मैं college में था, तो college करते करते मैंने एक ITI join किया था, Bombay Training Institute करके। वहाँ पर मुझे एक leadership लेने का chance मिला, general secretary का election था GS का, तो मैंने वो election लड़ा। उसके बाद मैं वहाँ पर चुन के आने का, मुझे लीडरशिप की क्वालिटी मेरे में थोड़ी सी आ गई थी, वहाँ पर लोगों से बात करना, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना। बाद में फिर मैं MLM कंपनी का काम करते करते मैंने वहाँ पे लीडरशिप सीखी, प्रोडक्ट मार्केटिंग में मैंने काम किया थोड़ा सा, वो मुझे एक्सपीरियंस मिला, तो ये थोड़ा सा मेरे में क्वालिटी आई थी। फिर मैं अलग अलग संस्था का काम करने शुरू कर दिया। वो उसी वक्त हमारे पास एक हमारे बैंक में पहले डायरेक्टर थे, जिनकी उम्र आज की तारीख में 90 साल की उम्र है, बहुत फिट है, मैं उनका, मेरे वो आदर्श है, जिनका नाम है भाई कामेर करके। उन्होंने देखा कि मैं जिस प्रकार से भागदौड़ करता हूँ, अलग अलग संस्था पे हूँ, तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि वैश्य सहकारी बैंक का इलेक्शन आ रहा है, तो आप मेंबर हो, तो आप इलेक्शन के लिए हमारे पैनल में खड़े हो जाइए। तो मैं पैनल में खड़ा हो गया और मेरे बहुत सारी जान पहचान थी अच्छे, तो मैं बहुत अच्छे वोटर्स वोट से मैं चुन कर आया। ये इलेक्शन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, जो 5 साल में एक बार होता है। तो आज 15 साल से मैं बैंक में डायरेक्टर हूँ, पहले मैं वाइस चेयरमैन भी था, उसके बाद फिर डायरेक्टर करके आज मैं हूँ। तो बैंक में हमें अलग अलग एक्सपीरियंस भी मुझे सीखने मिला, ये लोन्स कैसे मिलते हैं, लोन्स किन लोगों को मिलता है, लोन्स के लिए, जैसे कई बार लोग लोन के लिए आते हैं, तो लोग उनके वक्त हम स्पेशली उस आदमी का एटीट्यूड भी देखते हैं कि किस प्रकार से वो बात करता है, समाज में प्रतिष्ठा क्या। कई बार लोग समाज हमारे पास आते हैं, गाड़ी लेके आए BMW मर्सिडीज, लेकिन हम देखते हैं कि वो लोगों के पेमेंट उसने स्टॉप करके रखा है, लोगों के उधार लेके रखी है, मतलब वो एंजॉय कर रहा है पैसे लेके। तो जो लोन आप बैंक के लेते हैं, बैंक से, वो आपको उसका इंस्टॉलमेंट देना होता है, वो कर्जा है आपके ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो वो कर्जे को आप आपके बिजनेस में लगाइए, लोग बिजनेस में नहीं लगाते। और दूसरा, जो भी कर्जा आप लेते हैं, वो कर्जा आपको लेना आपका बिजनेस बनाने के लिए, ना कि गाड़ी लेने के लिए। मतलब मैं कर्जा लेता हूँ 50 लाख रुपए का और मैं लेता हूँ BMW, जबकि मेरा बिजनेस डाउन चल रहा है, बिजनेस में मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो ये गलत बात है। तो बिजनेस के लिए अगर पैसे लिए, तो बिजनेस के लिए ज्यादा ध्यान लगाओ। हम लोग वहाँ पर लोगों से यही बात करते हैं, मतलब जब लोन कमेटी का मीटिंग होता है या हम लोग जब बात करते हैं, हम लोगों को यही पूछते हैं, उससे वो सभी बात जानकर, मतलब उसमें बागे, मतलब वो उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है, उसका मार्केट स्टेटस क्या, ये भी देखा जाता है। इस प्रकार से अगर वो देखते हैं, तो उसका फायदा डेफिनेटली, अच्छे कस्टमर मिलते हैं बैंक को भी जरूरत होती है, बैंक को भी जरूरत होती है अच्छे लोगों की। अगर आपका नेचर अच्छा है, आपका कहाँ पे इसके पहले कोई सिविल रिकॉर्ड खराब नहीं है, आप NPA में कभी गए नहीं हो, और समाज में आप प्रतिष्ठित हो, तो लोग आपको लोन देते हैं। तो अभी तक जहाँ से मैंने भी जितना भी लोन दिया, कभी मेरा कभी कोई इंस्टॉलमेंट मेरा बाउंस नहीं। अभी भी इवन गवर्नमेंट ने बोला है कि आप 2-3 इंस्टॉलमेंट बाद में भरिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे इंस्टॉलमेंट में टाइम पे जा रहा हूँ। मेरे को मैनेजर का फोन आया बैंक से, अरे सर आपको आगे करना है क्या इंस्टॉलमेंट? मैंने कहा नहीं, क्यों करना है, पैसे तो है अकाउंट में, लीजिए आप उसमें से। करेक्ट है कि आपको मतलब जरूरत नहीं है, बाद में भी तो भरना ही है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद। जी जी जी, बैंक तो आपको माफ नहीं करने वाली, वो तो भरना ही पड़ेगा जी। हाँ, तो इंटरेस्ट तो बैंक लेगी उस पे। तो आपको आपका कैरेक्टर अच्छा बनाइए, आप प्रपोजल अच्छी तरह से सबमिट कीजिए,
और अच्छे सही चैनल से आप जाइए तो आपका लोन डेफिनेटली होगा। जी 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 जी, तो अगर सम करना है मुझे तो मैं बोलूंगी कि आपका सोशल रिकॉर्ड, आपका सिविल रिकॉर्ड, आपका क्रेडिट रिकॉर्ड और आपके पेपर्स, जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं, आईटी रिटर्न्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आईटी रिटर्न के पेपर्स, या जी जी, तो ये सब आप सही रखोगे तो आपको बैंक लोन देगी। और उससे सबसे ऊपर है एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड अगर सही है तो आई थिंक कोई भी आपको मदद करने से दो बार नहीं सोचेगा, आपको जरूर मदद करेगा। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ये जरूरी है कि लोगों को पता चले कि जब आप लोन लेते हो तो उसी काम में आप उसको खर्च कीजिए जिसके लिए आपने लिया है। अगर बिजनेस लोन है तो बिजनेस में ही खर्च कीजिए, लग्जरी आइटम लेने के लिए देर नहीं लगती, बट वो सब डेप्रिशिएटिंग प्रोडक्ट्स है, वो सब यू नो आज ले लिया तो कल ही उसकी कीमत आधी हो जाती है, सो मेक्स नो सेंस, मेक्स नो सेंस। फैंटास्टिक फैंटास्टिक सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ये मिशन कामयाबी ट्रेनिंग सेटअप क्यों शुरुआत की? वेरी राइट। तो मैडम जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को जब उस वक्त ज्यादा किसी का हेल्प नहीं मिला या मुझे पता नहीं था जाने कैसे, तो मैं हमेशा कहता हूँ मालूम नहीं यह भी मालूम नहीं, ऐसी कई सारी बातें इस दुनिया में है, तो हमें सीखना होता जरूरी होता है। तो अगर जिस प्रकार से मेरे को उस वक्त 20-25 साल की उम्र में मुझे कोई अच्छा मेंटर मिलता, कोई गाइड करने वाला मिलता, तो शायद मैं इससे और भी आगे जाता, आज मेरी 100 करोड़ की कंपनी होती। तो उसके पीछे रीजन यही था कि प्रॉपर मेंटर नहीं होना, गाइड नहीं होना, या दिशा नहीं पता थी मुझे क्या करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस प्रकार से हम भी अगर लोगों को इस प्रकार से कंपनी बना के मोटिवेट किया जाए, तो हम लोग जैसे जब शुरुआत हमने इसकी की थी उसके पीछे रीजन यही था कि जो हमें मिला नहीं हम लोगों को दे, तो इसके माध्यम से हम कई सारे, जैसे और मैं देखता हूँ कई सारे ग्रेजुएट लोग मेरे पास अभी ऑफिस के स्टाफ है, वो एमकॉम कोई पढ़ा है, कोई बीकॉम पढ़ा है, लेकिन एमकॉम बीकॉम पढ़ने के बाद भी उसको बेसिक कुछ बातें आती नहीं है, उसको बैंकिंग की पता नहीं होती क्या है, बीकॉम किया और बैंक के डायरेक्टर क्या होते हैं, बैंक के शेयर होल्डर क्या होते हैं, इलेक्शन कब लगते हैं, ये उसको पता नहीं है, बैंकिंग उसने मतलब बीकॉम किया हुआ है, बाकी कुछ पढ़ा लिखा है, तो उसको जनरल नॉलेज के बारे में पता नहीं होता है, सेलिंग स्किल क्या होती है, निगोशिएशंस क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन सिर्फ लोगों को ये लगता है कि हम बात कर रहे हैं मतलब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नहीं, कम्युनिकेशन मतलब आप किस प्रकार, आप आंखों से भी कम्युनिकेशन करते हो, आप जब कुछ नहीं बोलते हो तब भी आप कम्युनिकेशन करते हो जी। कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन के बारे में, प्रेजेंटेशन आपका कैसे होना चाहिए, आप बिजनेसमैन हो मतलब आप सोना बेचने बैठे हो लेकिन आपके कपड़े फटे हैं, तो जब वो सोना भी बेच रहे हो तो कपड़े फटे हैं, आपके पैर में चप्पल है, आपने नहाया नहीं है, आपने दाढ़ी शेविंग नहीं किया हुआ है, तो आपसे लोग कोई सोना नहीं खरीदेगा, बोलेगा सर ये नकली बेच रहा होगा, तो आपको उस प्रकार से करना पड़ता है। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, प्रेजेंटेशन लोगों को वो पता नहीं है, तो मैंने सोचा कि इस प्रकार से हम इसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए हम मिशन कामयाबी कंपनी बना के कई सारे, मतलब मैं कई सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि आप मेरे साथ में जुड़ो, मैं आपको पैसे भी दूंगा और सिखाऊंगा भी जी जी। तो मैं उनको साथ में, मतलब जैसे मैं कई सारे लोग मेरे पास अपने लड़कों को भेजते हैं कि सर मेरी लड़की ने अभी ग्रेजुएशन किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको 6 महीना आपके साथ में रखो, इसको आप पैसा मत दो लेकिन सिखाओ इसको कुछ ना कुछ, जी जी सीखना जरूरी है, मतलब उसमें कैसे लोगों से बात करना है, फिर वो छोटा छोटे मोटे मतलब प्रेजेंटेशन बनाने से लेकर लोग कई बार आपकी इंसल्ट करते हैं, या काउंटर पे बैठना होता है, या कभी माइक किसी को जाके देना है जी, फिर आप किस प्रकार से लोगों से पोलाइटली बात करते हैं, ये सब बातें सीखना जरूरी होता है जी। तो लोगों को पता नहीं होती, इसलिए हम ये मिशन कामयाबी के माध्यम से लोगों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सिखाते हैं, साथ में बिजनेस कोचिंग भी, बिजनेस भी जो होता है बिजनेस भी सीखा जाता है, मैं कहता हूँ श्रीमंत तो होना ही कला है, अमीर बनना ये आप मतलब सीख सकते हो, कोई भी चीज है तो सीख के आप आगे जा सकते हो, तो सीखना जरूरी होता है। तो मिशन कामयाबी के माध्यम से हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अलग अलग प्रकार से करते हैं, पूरे इंडिया में करते हैं, हमारे पास 100 से ज्यादा ट्रेनर्स हैं, तो वो अलग अलग उसमें के ट्रेनर्स से कोई कम्युनिकेशन पे बात करता है, कोई लीडरशिप पे, कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी बात करता है, कोई पेरेंटिंग पे बात करता है, तो लोगों की ये जरूरत है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सीखने वाला आदमी आगे बढ़ता है, मतलब कोई आदमी अगर अगर ए बी सी आदमी है तो ये आदमी तरक्की कर रहा है, वो कुछ सीखता नहीं है, मतलब कभी पढ़ता नहीं है, वीडियो देखता नहीं, कुछ पढ़ता नहीं, उसकी तरक्की धीरे 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 होती रहती है। सी नाम का आदमी जरा घमंड खोले तो उसकी तरक्की होती नहीं है, होके वापस गिरता है, और सी नाम का जो व्यक्ति है वो हमेशा सीखते रहता है और वो सीखने के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करता है, मतलब हमेशा हमको इन्वेस्ट जो करना होता है पैसा वो यहाँ पे करना होता है ब्रेन के लिए, हम क्या करते हैं यहाँ से नीचे खर्चे ज्यादा करते हैं, कपड़े के लिए सोना लेना है, अंगूठी लेना है, कपड़े लेना है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपको आपके ब्रेन के लिए करना है, आपके आपको डेवलप करेंगे वो ज्यादा डेवलपमेंट काम होता है, जितना आप ज्यादा सीखोगे उतना आपको फायदा मिलता है। तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को सिखाते रहते हैं और सीखने से आदमी बढ़ते हैं, और जिन लोगों ने भी सीखा है, फिर वो एपीजे अब्दुल कलाम हो या कई सारे लोग जिनके नाम हम ले सकते हैं, उन लोगों ने सीखा है, तो मी नेहमी सांगतो वाचाल तर वाचाल,
वाचाल तर शिकाल, शिकाल तर टिकाल आणि टिकाल तर जिंकाल. इसलिए आपको टिक रहना जरूरी है, सीखना जरूरी है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो सब लोगों को निवेदन है कि आपका लर्निंग बोर्ड ऑन रखे, बी अ स्टूडेंट फॉर लाइफ टाइम, कंटिन्यूसली लर्न. जो आप में स्किल्स हैं वो अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होकर, अच्छे मेंटोर के साथ कनेक्ट होकर उसको फिनेस दे. और अगर आपको कोई स्किल है जिसके ऊपर काम करना है क्योंकि वो स्किल्स वीक है, तो जरूर आप ट्रेनिंग सेंटर्स या कोई यू नो मेंटोर ले, उनका सहारा लेकर, उनका सपोर्ट लेकर, उनका गाइडेंस लेकर आप लाइफ में आगे बढ़ते रहिए. बी योर बेस्ट वर्जन एवरी डे एंड नेवर स्टॉप. थैंक यू, थैंक यू सर. अभी आपने ट्रेनिंग सेटअप के बारे में बताया तो उसी से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि ये पॉजिटिविटी क्या है आपके यू नो कोर्सेज में. और मैंने कहीं तो आपका आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे आपकी 11 दिन की कोई पाठशाला है, तो मुझे 11 दिन का पाठशाला, यू नो आई वाज वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड ये क्या है. यस 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 यस. तो ये मैडम अभी हमने लॉकडाउन में 11 दिन का पाठशाला लिया था. अभी भी वो कोर्स हमारे चालू है, पहले फ्री में लिया, अभी थोड़ा पेड में है. पेड में भी नॉमिनल, मतलब 90% मैंने मेरी फीस ऑफ कर दी है, कम कर दी, डिस्काउंट कर दिया है. तो वो नॉमिनल में है, उसमें हम लोग उसको कम्युनिकेशन से लेकर उसको आइडियाज पे बात करते हैं, सेल्स पे बात करते हैं, मार्केटिंग उसको सिखाते हैं हम लोग. उसके बाद में माइंडसेट क्या होता है, किस प्रकार से अमीर लोग सोचते हैं, या मतलब सक्सेस. तो सक्सेस में पैसा नहीं बोल रहा मैं, सक्सेस मतलब हर एक, जैसे अभी हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम अगर सक्सेसफुल हो जाता है, लोगों को अच्छा लगता है, तो ये सक्सेस है हमारे लिए. डॉक्टर संगीता के लिए सक्सेस है. तो हर एक, जैसे कोई महिला है उसके घर में कोई फंक्शन रखा है, फंक्शन अच्छी तरह से हो जाता है तो वो सक्सेसफुल हो गई है. बच्चा अगर 10th में पास होता है तो वो सक्सेस हो गया. तो सक्सेस की डेफिनेशन अलग है, पैसे की डेफिनेशन अलग है. तो हम सक्सेस के बारे में मेरा फोकस ज्यादा होता है. मैं कहता हूँ हमेशा सर्वार्थन श्रीमंत हो. आपको जो अमीर बनना है वो बैलेंस लाइफ होना चाहिए. आज के तारीख में जैसे हम लोग ये माहौल में पैसे के साथ साथ हम लोग को फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है, मेंटल फिटनेस भी जरूरी है. और सक्सेस के बारे में हमेशा कहता हूँ ये थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी होता है. तो लॉकडाउन की पाठशाला हमारी प्रोग्राम चालू है. जिनको भी इंटरेस्टेड है आप संगीता मैडम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी भी चाहिए तो मेरे रिसोर्ट पर भी जॉब अवेलेबल है. मेरे मिशन कामे में भी हम लोग आपको एज असिस्टेंट करके आप आ सकते हो, ट्रेनिंग करके हमारे साथ में आप जुड़ सकते हो. तो ये चालू है कंटिन्यूस में. एक थॉट पे मैं बात कर रहा था. मैं कहता हूँ कि थॉट ऑफ सक्सेस इज अ सीड ऑफ सक्सेस एंड थॉट ऑफ फेलियर इज अ सीड ऑफ फेलियर. तो जब आप थॉट ला रहे हो फेलियर के बारे में, ये प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुल नहीं होगा तो नहीं होगा. अगर आप सोचते हो कि मैं ये सक्सेसफुल कर सकता हूँ तो सक्सेसफुल कर सकते हो. सोचते आप हो तो आप कर सकते हो. होता है थॉट प्रोसेस ही होता है हमारे बीच. जो जितना बढ़िया थॉट प्रोसेस हम कर सकते हैं, माइंडसेट बना सकते हैं, तो सक्सेस मिलता है. तो ये कामयाबी की पाठशाला रेगुलर चालू है. मिशन कामयाबी हमारा आखिरी दम तक ये चालू रहेगा, लोगों को मिशन कामयाबी बनाने का मिशन. इतना बढ़िया मिशन है, भगवान करे सभीयों का आशीर्वाद है कि ये मिशन हमेशा चलता रहे और हमारे देश का हर सदस्य ऐसे ही कामयाब होता रहे, होता रहे, होता रहे. वेरी वेरी नाइस. आपने जो बात बताई कि हमको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और सक्सेस सिर्फ पैसे से सीमित नहीं है. आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए कि अगर ये प्रोग्राम भी अच्छे से हो गया और लोगों को पसंद आया तो वो भी सक्सेस है. अगर मैंने आज कोई प्लान किया है कि आज मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है या मुझे ये डिग्री कंप्लीट करनी है 2022 से पहले और मैं कंप्लीट करती हूँ तो वो भी मेरे लिए सक्सेस है. तो आपको आपका सक्सेस का डेफिनेशन आपको बनाना है, सही बनाना है. अगर आपका कोई डेफिनेशन है और वो आपके लिए ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, देश के लिए पॉजिटिव है, वो ड्रीम जब आप किसी के साथ शेयर करते हो तो आप आंख से आंख मिला सकते हो, नजर से नजर मिला सकते हो. आपके माँ बाप उसे रिस्पेक्ट यू नो उनका बढ़ जाता है, आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाता है. तो वो सक्सेस डेफिनेशन परफेक्ट है. आपको हर सक्सेस का डेफिनेशन पैसे के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है. क्रिएट एंड हैव योर ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यू विल बिलीव इन दैट, यू विल लिव दैट, एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो डॉक्टर संतोष ने बताया. आप जब वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, सक्सेस अट्रैक्ट करोगे और उस डायरेक्शन में काम करोगे तो कामयाबी तो मिलनी है. राइट राइट राइट. मैडम ऐसे कहा जाता है सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. तो एक सक्सेस मिल गया, फिर अगला सक्सेस, फिर अगला सक्सेस. तो छोटी छोटी बात को सेलिब्रेट कीजिए, छोटी छोटी बातों को मनाइए और लाइफ इज सक्सेस, लाइफ इज जर्नी है, उसको एंजॉय कीजिए. यस. हमारे साथ कुछ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं. थैंक यू डॉक्टर दीपा, थैंक यू दितिन, थैंक यू दीपाली, थैंक यू संध्या, थैंक यू नीता, थैंक यू मिस्टर हेगड़े एंड थैंक यू अनिष्का, थैंक यू सो मच. डॉक्टर दीपा ने कुछ लिखा है आपके लिए कि बिल्डिंग अप कॉन्फिडेंस टू सेट अप इज द की फॉर एनी वेंचर. सो ट्रू.
such a motivation for everyone. Communication to convince and presenting a new task is so much needed. Yes, Dr. Deepa, thank you. Thank you so much for sharing that. Thank you. Yes, I request all of you to please put up your questions so that we can ask Dr. Santosh and we will be enlightened and we will get some more gold nuggets from him. Sir, mera agla sawal hai ki aapne jo books likhi hain, you have authored 14 books. Yeah. एक बुक मोस्ट पॉपुलर बुक है आपकी मला श्रीमंत व्हायचे और दूसरी पॉपुलर बुक मैंने देखी है कामयाबी के फंडे तो right. मुझे ये कामयाबी के फंडे के टॉप जो है वो फंडे बताइए प्लीज. ओके तो फंडे में दोस्तों सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आप लोगों से रिलेशन बनाइए, बिल्ड रिलेशन. मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था, एक डिमांड आया था मेरे को यूट्यूब चैनल की तरफ से, सर मेरे को ये वीडियो बना के दीजिए आप. तो मैंने उनको कल भेजा था, मैंने फेसबुक पे भी डाला हुआ है. तो रिलेशन मेंटेन कीजिए. जैसे मैं बैंक में हूँ तो मैं एक रिलेशनशिप बैंक का कंसेप्ट बताता हूँ कि जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट है तो आप पैसे जमा करते हो, पैसे विड्रॉल करते हो, बैलेंस होता है. उसी प्रकार से रिलेशनशिप बैंक होता है जिसे इमोशन बैंक भी कहा जाता है. तो आप जब किसी को गाली दे रहे हो, किसी का इंसल्ट कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, तो आप विड्रॉल कर रहे हो. और जब आप किसी को सॉरी बोलते हो, किसी को थैंक यू बोलते हो, किसी को अप्रिसिएट करते हो, तो आप रिलेशनशिप बैंक में रिलेशन जमा कर रहे हो. और रिलेशनशिप बैंक में आपका बैलेंस कम है तो कैसे पता चलेगा? तो आप जब किसी को कोई आपसे मदद मांगता है आप उसको करते नहीं हो. आपको आपको जब मदद होती है, कोई लोग मदद करते हैं, तो आपका रिलेशनशिप में बैंक बैंक बैलेंस अच्छा है. आप किसी को बोलते हो मुझे लड़की की फीस भरनी है, 20,000 रुपीज उधार दीजिए, मैं आपको अगले हफ्ते अगले महीने में देता हूँ, वो आपको उधार तुरंत देता है बिगर कोई सवाल पूछे. मतलब आपका बैलेंस अच्छा है उसमें, अकाउंट में. जब आपको कोई बहाने बनाता है, अरे पैसे नहीं है मेरे पास, नहीं दे सकता हूँ, या हेल्प करने के लिए कुछ बोलते हो तो हेल्प करने के लिए कोई आता नहीं है, मतलब आपका रिलेशनशिप बैंक में बैलेंस कम है. वो रिलेशन बनाइए आप. मैं आज की तारीख में मैंने बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोगों से रिलेशन है, मेरे हर एक उस व्यक्ति से रिलेशन है. मैं मेरे वॉचमैन को भी नाम से बुलाता हूँ, मैं मेरे काम वाली बाई को भी नाम से बुलाता हूँ, जो भी मतलब कचरे वाली बाई भी, उसको भी हम घर पे नाम से बुलाते हैं. अरे पूनम कैसी है तू, पूनम चाय पिए, मतलब मेरी बीवी उसको घर पे बुला के चाय भी पिलाती है. तो हम हमारे जो भी इंसान है उन लोगों से, मतलब स्वामी विवेकानंद का एक कोट है, उन्होंने कहा है कि आपको लोगों से प्यार करना है और चीजों का इस्तेमाल करना है. क्या कहा मैंने? प्यार करना है, चीजों का इस्तेमाल करना है. लेकिन होता उल्टा है. क्या होता है? लोग चीजों से प्यार करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए, हमें लोगों से प्यार करना चाहिए और इंसानियत हमें रखनी चाहिए. तो मैं मेरे लाइफ में हमेशा ये बातें करता हूँ और इसीलिए उसका मुझे फायदा. तो मैं ये हमेशा कहता हूँ लोगों को, आप फंडे में बताता हूँ कि आप लोगों से रिलेशन मेंटेन करो, बाद में नेटवर्किंग करो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो. आप जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे, जान पहचानोगे, फायदा होगा. कुछ अच्छे, जैसे अभी संगीता मैडम आपकी और मेरी पहचान काका हरदास ने करके दिया हमें. काका हरदास मेरे फैन है, मुझे बोलते हैं मैं आपका फैन हूँ, जबकि वो बहुत बड़े इंसान है, बहुत बड़ा नाम है उनका. उन्होंने मुझे आपसे कनेक्ट करके दिया. तो ये नेटवर्किंग या जान पहचान, रिलेशन अच्छे है तो उसकी पहचान होती है. जी, हमेशा लोगों के साथ में रहिए, कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए और लोगों को माफ कीजिए. मैं हमेशा कहता हूँ, मैं बहुत लोगों को माफ करता हूँ. मतलब किसी ने बुरा भी आपके साथ में किया है तो माफ करो, फॉरगेट. क्योंकि माफ नहीं करते हो ना तो यहाँ पे रखते हो तो गंदगी जमा होती है. मतलब हम लोग कचरा जमा कर रहे हैं हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे बॉडी में. तो कभी भी लोगों को माफ कर दिए और आप आगे चलिए, तो उससे आप अपने आप को बहुत प्योर महसूस करते हो और टेंशन फ्री रहते हो आप और आगे बढ़ते हो. तो ये मैंने मेरी मम्मी से सीखा है. मेरी मम्मी हमेशा लोगों को माफ करती थी. मतलब हमारा जो झोपड़ा भी था वहाँ पे ना, वो एक वहाँ की लेडीज ने वो हड़प कर लिया था, उसने कब्जा कर लिया हमारे झोपड़े पे. हम लोग उसी जगह रहने गए तो वो हड़प करने के बाद उसने अपने घर नाम पे लाइट बिल कर लिया, घर घर नाम पे कर लिया. हमें उसका भाड़ा आता था महीने का 500 रुपया, वो देना बंद कर दिया. तो मम्मी ने पूछा बंद कर दिया क्या हुआ? तो पहले वो गरीब थी, बाद में उसने कहा नहीं ये तो झोपड़ा मेरा है, किस चीज का भाड़ा देना आपको? फिर हमें पता चला उसने वो झोपड़ा ले लिया. तो मेरी माँ ने उसको भी माफ कर दिया. मतलब इतने बड़े लेवल पे जाके तो सीखा है कि ये चलो ठीक है, हमारे नसीब में नहीं था, कोई बात नहीं. कई बार इस प्रकार से हमें रखना पड़ता है. भगवान ने इसी को चलते हमें ये सब कुछ दिया, बहुत कुछ बातें. और तो हमेशा ये मैं बातें बताता हूँ कामयाबी के फंडे में. फिर मैं दूसरी बात बताता हूँ कि आपको सीखते रहना जरूरी है. जी, उसमें और एक बातें बताता हूँ कि हमेशा बड़ों की इज्जत कीजिए, अपने गुरु को रिस्पेक्ट दीजिए और जो भी काम करो पूरे दिल से कीजिए. और कई बार लोग कामयाब क्यों नहीं बनते, तो आलस की वजह से लोग कामयाब नहीं बनते. जी जी, आलस आलस निकाल दीजिए आप. और आलस नहीं होने की वजह से आज कई सारे, अभी देखिए लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी अभी आई है. कई सारे लोग गांव चले गए, परप्रांतीय लोग गांव चले गए, तो अभी यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है अभी महाराष्ट्र में. तो लोगों को वो काम करने चाहिए. जो भी काम आपके सामने आएगा वो काम कीजिए. कोई भी काम छोटा नहीं होता है. जी, काम कीजिए, वो आपको बड़ा करेगा. आपका काम ही आपका भगवान होता है.
तो इस प्रकार से मैं सोचता हूँ, यही फंडे मैं लोगों को देते रहता हूँ कामयाबी के बारे में, और लोग ये कामयाबी के फंडे लेकर सक्सेसफुल बनते हैं। मेरा एक फाइटर नाम का कोर्स है जिसमें मैं लोगों को रियल लाइफ में फाइटर बनाता हूँ, किस प्रकार से लाइफ में फाइटर बनकर आगे जाना होता है। इस प्रकार से अलग अलग बातें करते रहते, अलग अलग लोगों को सिखाते रहते हैं, और यही फंडे में बताते रहता हूँ कि आदमी से बात करो, लोगों से मिलो, बड़ा और लोगों का रिस्पेक्ट करो, लोगों को प्यार से बात करो, और लोग मानते हैं, लोग सुनते हैं। जी 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 बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने इतना सब इंस्पिरेशनल यू नो बातें बताई हैं, जैसे एक पेरेंट होता है, एक गार्डियन होता है, एक गुरु होता है, एक मेंटर होता है, आपसे वैसे ही बातें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट और प्यारी बातें आपने बताई। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। एक थैंक यू क्वेश्चन डॉक्टर। है आया है हमें पूजा सावंत से। She says that 2021 at this age we can't trust anyone and we can't control our anger. 2021 age we cannot trust anyone and we can't even control our anger. Give us suggestion because that we so that we choose the right path. वेरी राइट। तो गुस्से के बारे में मेरा एक बढ़िया कोट मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा आने के बाद नुकसान आप अपना खुद का करते हो, उसका नुकसान नहीं करते हो, तो आप खुद के दुश्मन बन जाते हो। मतलब मेरे को गुस्सा आया किसी के आदमी का, किसी ने ऐसे ऐसे कहा करके, उसके बारे में गुस्सा मेरे दिमाग में आया, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है। तो किसी और की गलती का नुकसान मैं अपने आप को क्यों करके दूं? तो हमेशा गुस्से में ये ध्यान में रखो कि गुस्सा नहीं करना। मैं हमेशा और एक एग्जाम्पल बढ़िया दिखाता हूँ। मैं बताऊँ तो समझ के चलिए, आपके शॉप में, दुकान में या कहाँ पे भी ज्यादा चूहे हुए हैं, उंदीर जासूस आ गए। तो जब चूहे हो गए तो आप क्या जाते हो? दुकान में जाके चूहे मारने की दवा लेकर आते हो। जी आपने दवा लेकर आई चूहे मारने के लिए, और आप देख रहे हो सामने चूहा यहाँ वहां जा रहा है। आपने वो दवा क्या किया? वो दवा लिया आपने और खुद खा ली, और अभी देख रहे हो कि चूहा मर जाएगा। तो दवा कौन खा लिया? आपने खा लिया। तो चूहा नहीं मरने वाला, आप मरने वाले हो। तो गुस्सा इसी प्रकार से होता है। जिसको भी गुस्सा आता है उसका बीपी बढ़ता है, उसका शुगर बढ़ता है, उसको अलग अलग बीमारी शुरू हो जाती है। तो गुस्से में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, भले आपकी उम्र 18 साल की हो, 20 साल की हो, 50 साल की हो, ये गुस्सा आपको खा जाएगा। तो हमेशा गुस्से पे कंट्रोल करना जरूरी है। गुस्सा आता है तो 2-4 फॉर्मूले में बताता हूँ गुस्से पे कंट्रोल क्या करना है आपको। आपको वहां से तुरंत उठ के चले जाना है। मतलब मेरी बीवी मेरे से झगड़ा कर रही है, गुस्सा आ रहा है उसको, तो मैं वहीं से उठ के चले जाऊंगा बेडरूम में या कहीं और जगह पे, ताकि उस वक्त वो टेम्परेचर ऊपर हाई हुआ है वो थोड़ा सा उसको रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, पानी पी लूंगा, मुझे गुस्सा है तुरंत पानी पी लूंगा, या उस वक्त मैं मेरा मूड चेंज कर दूंगा इमीडिएटली। तो मूड चेंज करना जरूरी, सब्जेक्ट को चेंज कर देना उस वक्त, ताकि उस वक्त जो हार्मोन्स तैयार हुए, पैदा हुए हमारे मन में गुस्से के बारे में, वो कम हो जाते हैं। तो कई बार गुस्से की वजह से, जैसे मेरे को गुस्सा आ गया किसी का, मैंने वहां पे पत्थर पकड़ा, रास्ते का उठा लिया, या चाकू था मैंने उसके पेट में घुसा दिया, पत्थर मार दिया, वो मर गया। अब मर गया तो मैं जेल में जाने वाला। तो इसलिए गुस्से को उस वक्त कंट्रोल करना जरूरी है, उस वक्त रुक जाओ शांत से। और कोई भी हल गुस्से से नहीं होता है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ, आप अगर आपको 10 काम करने होते हैं तो 10 में से 2 काम आप किसी को डांट के करवा सकते हो, उसको पावर दिखा के करवा सकते हो, लेकिन 8 काम होते हैं वो प्यार से करवा सकते हो। तो प्यार से बोल के उसको समझा के काम करवा सकते हो। तो गुस्सा करके कोई मतलब नहीं बनता है। तो कई बार गुस्सा आ जाता है, लेकिन आपको तुरंत समझना चाहिए कि मेरे को अभी गुस्सा आया है तो मेरे को कंट्रोल करना है। आप उसको वहां से आपको उठ के जाना है, वो टॉपिक वहीं पे छोड़ दीजिए। आप इमिडिएटली पानी पीजिए तो पानी पीने से भी आपका गुस्सा कम हो जाता है। तो गुस्सा लाना है तो गुस्सा सही तरीके सही जगह पे लाओ। मतलब मेरे को गुस्सा आया था गरीबी का, तो मैंने कहा मैं गरीब नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊं। तो मैंने उस लेडी से झगड़ा नहीं किया। बाद में भी जब उनके पास अभी मैं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ, मौसी मुझे आपका बहुत उपकार है मेरे ऊपर, आपने मेरे साथ मेरे को मतलब कुछ उस वक्त मैं जब दिवाली में घर पे आया था तो उस वजह से मेरे को आज अमीर बनने के लिए मौका मिला। वो भी हंसती है। तो मतलब ये भी बात है कि गुस्सा आएगा तो वो पॉजिटिव वे में लाइए। गांधी जी को गुस्सा आया था तो निकाला, तो उन्होंने कहा चला मैं तुमको इंडिया से निकाल दूंगा। गुस्सा आएगा तो अच्छा करके दिखाओ। अगर आप 20 साल के हो, गुस्सा आएगा कुछ पढ़ाई करके बढ़िया करके दिखाओ, बाप से बड़ा बनके दिखाओ, तो बाप को भी खुशी लगी कि मेरा बेटा मेरे से बड़ा हो गया। जी जी जी। अगर मम्मी से गुस्सा आता तो मम्मी से बढ़िया खाना बना के बताओ, गुस्सा आता तो मम्मी से अच्छा बनके दिखाओ, ताकि मम्मी भी आपके फक्र करे। जी 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 जी, बहुत सही बताया आपने, बहुत सही बताया। और पूजा, जैसे डॉक्टर संतोष ने बताया, सेल्फ कंट्रोल तो चाहिए ही, और इसके साथ दिमाग ठंडा रखने के लिए आई थिंक हंगियो आइसक्रीम का भी बड़ा हाथ होगा। तो आपने ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, तो मैं डिक्लेयर करती हूँ कि पूजा सावंत, यू आर गेटिंग द गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम हंगियो आइसक्रीम। सो शेयर अ स्माइल एंड बी कूल। थैंक यू पूजा, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। दवा मानने की दवा है वो याद रखिए। जी जी, दवा मानने की दवा आपको आपने खा ली है, गुस्सा वो ध्यान रखिए। जी,
सो कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा, कॉन्ग्रेचुलेशन. तो आपने गुस्से के बारे में जो क्वेश्चन पूछा है उसके वजह से आज आपको आप गिफ्ट के हकदार भी बन गए. सो वंडरफुल वंडरफुल. रोहित ने एक कॉम्प्लीमेंट भेजी है आपके लिए कि सर काश आप मुझे पहले मिले होते मेरी लाइफ में, तो मेरी जिंदगी कुछ और अलग होती, कुछ और बदली हुई होती. सो थैंक यू रोहित फॉर द कॉम्प्लीमेंट. मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ. यंग लोगों को लगता है कि सोशल सर्विस, समाज के प्रति जो योगदान करना है, वो सब उनको करना है जो ऑलरेडी सक्सेस पा चुके हैं, या उनको करना है जो रिटायर हो चुके हैं. क्या सोशल सर्विस सिर्फ रिटायर्ड और बुजुर्ग लोगों ने ही करना है? क्या सोशल सर्विस यंग लोगों ने करना ही नहीं है? आपकी क्या राय है? नहीं, सोशल तो करना चाहिए. जैसे मैं एक संस्था रन करता हूँ जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, जिसका नाम है आदर्श प्रतिष्ठान. इसमें हम कई सारे लोगों को अवार्ड देते हैं, गरीब बच्चों को. आप फिर से बताइए सर क्या नाम है? मैं एक संस्था रन करता हूँ जिसका नाम है आदर्श प्रतिष्ठान, आदर्श फाउंडेशन. ओके ओके, आदर्श फाउंडेशन. हाँ, इसके माध्यम से हम कई सारे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, प्रेरणा देते हैं, अवार्ड देते हैं, गरीब बच्चों को मदद करते हैं, अपंग लोगों को मदद करते हैं. तो ये मैंने जब शुरू की थी, तो जब मेरी उम्र भी कम थी, आज से 14-15 साल पहले, तो उस वक्त मेरा बर्थडे सभी दोस्तों कैसे मनाते थे, चलो पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, केक काटेंगे, डांस करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे. अच्छा, मैं कोई भी ड्रिंक नहीं करता हूँ, तो दारू बीरू तो मैं पीता नहीं हूँ, ना किसी को पिलाता हूँ. लोग मुझे पूछते हैं आप रिसोर्ट ओनर हो, आप दारू नहीं पीते? मैंने कहा नहीं पीता हूँ. तो ना दारू पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, कुछ भी मुझे व्यसन नहीं है, ना पान खाता हूँ, ना गुटखा मावा, कुछ नहीं है. तो ये बहुत बड़ी देन है मेरे लिए, मेरे को भगवान की, क्योंकि आज मैं अगर व्यसन करूंगा कुछ भी, तो बुढ़ापे में मैं जल्दी मरने वाला हूँ, और मुझे जल्दी नहीं मरना है, मुझे समाज के लिए बहुत काम करना है. तो इसलिए मैं सबसे पहले कहूंगा कोई भी एडिक्ट ना हो, कोई भी व्यसन ना लोग करें. तो जैसे कहा कि ये समाज सेवा करना जरूरी है, तो मैंने वो बर्थडे मैंने सोचा कि कुछ इस प्रकार से हम काम करके करते हैं. तो 13 मार्च को हमने संस्था बनाई, आज से 14-15 साल पहले. हर 13 मार्च को मैं अवार्ड देता हूँ लोगों को. मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन लोगों के साथ में करता हूँ. हम उनको अवार्ड देते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, गरीब बच्चों को मदद करते हैं. तो मेरे बच्चे भी पूछते सर पापा आप तो 13 मार्च को लोगों के साथ में रहते. मैंने कहा यही तो करना है हमें, भगवान ने अगर भेजा है तो कुछ पर्पज से भेजा है. और कुछ बहुत कम लोग होते हैं जिनको पर्पज मिलता है, बहुत कम लोग होते हैं जो कुछ कर सकते हैं या करने की उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो ये आपको अपॉर्चुनिटी है. तो आप भले आपकी उम्र छोटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. कई सारे लोग हमारे संस्था में जुड़ते हैं, 18 साल के बच्चे भी मेरे साथ में हैं जो सोशल वर्क करते हैं हमारे साथ में. तो इसमें क्या होता है, सोशल वर्क से आपको खुशी मिलती है. आप जब किसी को हेल्प करते हो तो वो उनको हेल्प नहीं करते, अपने आप को हेल्प करते हो. खुशी मुझे मिलती है. मैं जब समाज के प्रति कुछ करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है. मेरी लाइफ मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी तरह से जी रहा हूँ. तो मैं किसी को मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कृतज्ञता दे रहा हूँ कि मैंने समाज से लिया हुआ है. आज मैं रिसोर्ट में भी लोग आने वाले जाने को मैंने कहा कि फ्री में खाना कीजिए, तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं समाज से मैंने कमाया है, ये समाज ने मुझे दिया है. मेरी क्या औकात थी, लेकिन समाज ने मुझे दिया है, लोगों के आशीर्वाद मेरे साथ में है, अच्छे लोग मेरे साथ में जुड़े हैं. तो इसीलिए सोशल वर्क हमें करना चाहिए. कुछ भी करो, भले आप खुद की संस्था बनाओ, ये नहीं जरूरी है. आप स्वयं भी ना मैडम की संस्था इनके साथ में जुड़ सकते हो. रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, कई सारे बाबा साहब आंबेडकर जी की संस्था है, कई भी संस्था, आप कहीं ना कहीं इनके साथ में 1 घंटा लगाइए, 2 घंटा लगाइए. नॉट नेसेसरी कि पूरा आप उसमें अपने आप को झोंक दो, जरूरी नहीं. लेकिन आपको जब भी समय मिलेगा कुछ ना कुछ सोशल वर्क आपको करना चाहिए. क्या सोशल वर्क क्या होता है? आप जैसे आप किसी गार्डन में चले जाओ, किसी 10-15 बूढ़े माँ बाप को व्हाट्सएप सिखा दो, फेसबुक सिखा दो, उनके लिए वो बहुत अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि उनको कुछ नया सिखा रहे हो. तो ये भी एक सोशल वर्क ही है. आप किसी को सिखा रहे हो जो आपको टेक्नोलॉजी आती है. बराबर. ऑनलाइन सेशन अभी आप कर रहे हो मैडम, ये फ्री ऑफ सेशन हो रहे हैं. मैंने भी 25-30 सेशन किए हैं. तो ये हमारे पास जो है हम वो दे रहे हैं. आज मैं अच्छा बात करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, इंस्पिरेशन देता हूँ लोगों को. तो मेरे को करना चाहिए. मेरी बीवी अच्छा खाना बनाती है, तो उसको खाना अच्छा बना के लोगों को खिलाना चाहिए. तो जो भी आपको अच्छा आता है आप वो कीजिए. यही सोशल वर्क है. सोशल वर्क मतलब बहुत कुछ बड़ा नहीं करना होता है. जो भी आपके पास है आप वो दीजिए. देनारा मानसंची मांगनी है, तो आप समाज के प्रति कुछ ना कुछ दीजिए. जो भी आपको आता है वो दीजिए आप. ये सोशल वर्क कहते हैं. मेरी भावना यही है. अगर आप बिजनेसमैन भी हो, आप 100 लोगों को नौकरी दे रहे हो, तो ये भी सोशल वर्क ही है. आप 100 लोगों का घर चला रहे हो. तो सोशल वर्क मतलब संस्था के साथ में भी जुड़िए, उसको भी थोड़ा सा 2 घंटा दीजिए. अलग अलग जगह जाके जो भी जहां पर भी किसको मदद लगेगी मदद कीजिए आप. और ये मदद करने वालों की जरूरत है इस दुनिया में, आज के तारीख में भी जरूरत है. यही मेरा डेफिनेशन है सोशल वर्क के बारे में. और यंग्स को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप उम्र मत देखिए 50 साल के बाद मैं सोशल वर्क करूंगा. अभी भी आप सोशल वर्क कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए. जी जी, बहुत 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 सही कहा सर आपने. एक क्वेश्चन आया है जो मैं जरूर पूछना चाहूंगी. मे आई आस्क यू द क्वेश्चन? मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? यस यस श्योर. ओके, तो क्वेश्चन है मिस्टर छेड़ा का
कि मेनी पीपल वर्क हार्ड बट टेस्ट सक्सेस वेरी लेट. टुडेज जेनरेशन वॉन्ट सक्सेस सून एंड डू नॉट हैव पेशेंस. वॉट मैसेज वुड यू गिव देम? तो मेरा इसके कनेक्टेड ही दूसरा क्वेश्चन है कि इनका क्वेश्चन तो है कि आजकल के जेनरेशन को सब कुछ फटाफट चाहिए, तो उनके लिए क्या मैसेज है? और क्योंकि हम ये स्वयंभू के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप बताइए कि स्वयंभू के बारे में आपका क्या विचार है, और जो स्वयंभू बनना चाहते हैं उनके लिए आप डॉक्टर संतोष आप क्या कर सकते हैं? वेरी राइट मैडम, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है. कई सारे लोग मेरे पास पूछते हैं, इंटर्नशिप के लिए भी आते हैं, जॉब के, मेरे रिसोर्ट में भी जॉब अवेलेबल है. कई सारे अभी रिसोर्ट पे लोग मिलेंगे आपको जॉब. तो अगर आप होशियार हो, एक बात समझ लीजिए, इस पूरी दुनिया में अकलमंद लोग, होशियार लोग और अच्छे लोग की डिमांड है. आप सिर्फ पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं बनने वाला है. आपको होशियार बनना पड़ेगा, आपको समझदार बनना पड़ेगा, आपको लीडरशिप लेनी पड़ेगी. कोई भी काम है मैं करता हूँ सर, लाइए मैं करता हूँ. तो ऑलराउंड, अभी जैसे मेरे रिसोर्ट पे मेरा कुक अभी है, लेकिन अभी वो मेरा गार्डन का काम कर रहा है, मालिक का काम कर रहा है. उसको पता अभी काम नहीं है, तो वो झाड़ को पानी डाल रहा है, वो बाकी भी काम कर रहा है. वो आपको ऑलराउंडर भी बनना जरूरी है. आप कहोगे मेरा यही मैं काम करूंगा, बाकी काम नहीं करूंगा, तो आज की तारीख में नहीं चलेगा आपको. आपको ये माहौल में अभी आपको सब काम सीखना पड़ेगा. कोई भी काम के लिए करने के लिए आपको कमी नहीं करना है, तो आप करने की तैयारी रखिए. अपॉर्चुनिटी तो है, स्वयंभू के लिए भी बहुत सारे जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी मैं देना चाहूंगा. और साथ में मैं, जैसे मैडम का क्वेश्चन था, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसा अक्कल होशियार नहीं मिलता, पैसा ऐसे नहीं मिलता. आपको होशियार बनना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है. तो स्मार्ट वर्क से कीजिए, ओनली हार्ड वर्क से पैसा नहीं मिलेगा आपको. शुरू में हार्ड वर्क लगता है आपको जब आप शुरू शुरू में काम करते हो, उसके बाद में आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है. स्मार्ट वर्क मतलब आपको कैश पे काम करना पड़ता है. कैश मतलब मैं हमेशा बताऊँ तो K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल्स और H फॉर हैबिट. तो ये कैश पे आप काम कीजिए, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट, ये आप डेवलप कीजिए अपने आप में, तो उसका फायदा मिलेगा आपको. तो शॉर्टकट कोई भी नहीं होता है, शॉर्टकट से पैसा नहीं मिलता, आपको मेहनत तो करना ही पड़ता है. हाँ, ये है कि आपको ये समझ सकते हो कि किस कौन सा बिजनेस करने से मुझे पैसे जल्दी मिलेंगे. जैसे आप कोई भाजी वाला है, वो सुबह जाके 1000 रुपए की भाजी लेकर आता है और 2-3 घंटे में भाजी बेच देता है, तो 1000 की भाजी उसने बेच दिया 2000 में, 1000 में उसको प्रॉफिट मिल गया. मेहनत तो किया उसने, स्मार्ट वर्क किया, कहाँ पे उसको भाजी, मतलब कहाँ पे करना चाहिए, मार्केट कहाँ पे आपको है, ये समझना पड़ेगा आपको. तो गैप, मैप और टैप, आपको कहाँ पे गैप है वो देखना पड़ेगा, उसको मैप करना पड़ेगा, उसको टैप करना पड़ेगा. तो इस प्रकार से आपको उस बारे में आप सोचते हो तो उसको आपको पैसा बना सकते हो. लोगों की समस्या क्या है, वो समस्या को समझिए तो उसको अपॉर्चुनिटी में आप कन्वर्ट कर सकते हो. तो आज की तारीख में लोगों की समस्या को जो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है वही हीरो बनता है. तो इस प्रकार से आप समझिए, स्वयंभू मैडम के साथ में आप कनेक्ट रहिए. कुछ भी आपके पास है, कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मैं दे सकता हूँ, मैडम को आप मेल भेजिए, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, तो डेफिनेटली मैडम मिलेगा. मेरी वेबसाइट है, आप मेरी वेबसाइट पे मेरे बारे में डिटेल मालूम कर सकते हो. ओके, थैंक यू मैडम. मेरी यूट्यूब है, उस पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत सारे वीडियो वहाँ पे मिलेंगे देखने को. जी जरूर जरूर देखेंगे, क्योंकि आपने इतनी इंस्पायरिंग बातें और इतनी बढ़िया बातें बनाए हैं, बताई हैं कि अभी सारे लोग तो आपको गूगल कर कर आपके बारे में जरूर बहुत कुछ चीजें ढूंढेंगे ही. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन हु हैज कनेक्टेड विद अस टू प्लीज कनेक्ट विद अस ऑन swayambhu@gmail.com. डू कंटिन्यू वॉचिंग, डू कंटिन्यू बीइंग अ पार्ट ऑफ गेटिंग कैंडिड. थैंक यू डॉक्टर संतोष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच. वी एक्सटेंड आवर सपोर्ट एंड ग्रेटिट्यूड that you grow well in health and wealth and you continue to inspire and support all the citizens of this country. Thank you so very much. Thank you so much. Thank you. So bye bye everyone. See you soon. Yeah. Probably next Saturday and Sunday. Yeah. Bye. Thank you ma'am. Thank you.